हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस पार्लर। मायसेल्फ अभिषेक एंड टुडे इज योर डे 22 एंड टॉपिक फॉर टुडे इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट इट बेटा। सो हमारे पास क्या है बच्चे, आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोग बेसिक्स तो करके आए हो क्लास 11th में। बेसिक्स में क्या है बेटा कि आपके पास एक 3D प्लेन है, ठीक है बेटा। दिस इज योर 3D प्लेन, हियर इज योर एक्स एक्सिस, हियर इज योर वाई एक्सिस एंड हियर इज योर जेड एक्सिस। दिस पॉजिटिव और दिस इज योर नेगेटिव। ऐसे सो देयर आर 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है, 8 ऑक्टेंट्स। अब इन ऑक्टेंट्स को आप याद कैसे रखेंगे, तो मैं क्या करता हूं इसको उठा लेता हूं पहले। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किए बच्चे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है बच्चे, एक्स वाई प्लेन। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है बच्चे, एक्स डैश वाई। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है बेटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है बच्चे, एक्स वाई डैश। ऐसे ही अब आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे फ्रंट में एक रे एड ऑन हो जाती है, दैट इज योर जेड एक्सिस। तो आपके पास अब क्या बन गया, ये प्लेन बन गया एक्स वाई और उसके साथ ये जी भी बन गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये कंडीशन बन गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हर एक कंडीशन के साथ जी एड ऑन हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स वाई जी, एक्स डैश वाई डैश जी, एक्स डैश वाई डैश जी, एक्स वाई डैश जी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास थ्री डायमेंशनल प्लेन बन गया, लेकिन आपके पास ये फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट बने। नेक्स्ट फोर कैसे बनेंगे, नेक्स्ट फोर भी ऐसा ही होगा बेटा। नेक्स्ट फोर क्या करेंगे, इट्स योर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। आपके लिए क्या होगा, ये पैटर्न ऐसे ही फॉलो होगा, पैटर्न ऐसे ही फॉलो होगा, मतलब ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट क्वाड्रेंट आ गया। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए फॉलो हुआ है, यही आपका नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए भी फॉलो होगा। मतलब जब आप बैकग्राउंड में जाओगे तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग दिस इज योर फिफ्थ, फर्स्ट के बैक साइड पे फिफ्थ होगा, सेकंड के बैक साइड पे सिक्स होगा, थर्ड के बैक साइड पे सेवंथ क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ के बैक साइड पे होगा एट क्वाड्रेंट। इस तरह से काम करेंगे। लेकिन अब ये क्वाड्रेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो यहाँ नेगेटिव जेड एक्सिस एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है बच्चे -1, -2, -3, तो ये आपको बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो आप देखोगे जहां पे एक्स और जी नेगेटिव है, अगर जी नेगेटिव है बच्चे तो ये आपके फिफ्थ से एट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर आपके पास कोई पॉइंट है 1, 2, 3, -1, 2, 3 कर लेते हैं, -1, 2, 3 कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे, 3, z पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट में होगा। अब आप देख रहे हो y दोनों में आपके पास सेम, तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ आ जाता है, सेकंड में, और x नेगेटिव y पॉजिटिव सिक्स्थ में आ गया। तो आप देख रहे हो सेकंड के बैक साइड पे सिक्स्थ क्वाड्रेंट ही था, तो -1, 2, 3 जो पॉइंट है वो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये यहाँ पे -1, 2, -3 यहाँ पे सिक्स क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह से आप लोग इनके ऑक्टेंट्स में फाइंड आउट कर सकते हो और कौन सा एलिमेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके।
इसके बाद जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट ये टू डायमेंशन में करते थे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है अगर, तो उसके क्वाड्रेंट क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो अगर बेटा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स जीरो जीरो आ जाएंगे, नेगेटिव साइड होगा तो माइनस एक्स जीरो जीरो आ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ पे होगा तो एक्स वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा एक्स जीरो, वाई एग्जिस्ट करेगा जी जीरो, और जेड एक्सिस पे क्या होगा जेड एक्सिस पे एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस करेगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करेंगे बच्चे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसके बाद क्या आ जाता है, अब आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आप लोगों ने किया हुआ है बच्चे, अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 v1, ओके बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूला है, अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है थ्री डायमेंशनल में है, आपके कोऑर्डिनेट्स उनके पास तीन गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर एंड z2 - z2 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास सेक्शन फार्मूला, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है बच्चे, यहाँ पे दो फार्मूला आते हैं आपके पास, इंटरनली और एक्सटर्नली, ये हमने पहले भी किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बच्चे आ जाता है इंटरनली और एक आ जाता है बच्चे एक्सटर्नली, तो क्या है बच्चे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उस पे दो पॉइंट्स हैं और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 एंड z1 है और सेकंड के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चे c जो इस ab को डिवाइड कर रहा है m is to n रेशियो में, देन Then coordinates of point C, तो point C के coordinate क्या होंगे बेटा, आप लोग इसको कर सकते हैं mx2 plus nx1 upon m plus n, ओके तो ये आ जाएगा बच्चे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन एन जेड टू प्लस एन एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, ये आपके पास कंडीशन आ गई। लेकिन इसी कंडीशन में अगर आप इसको के रेशो वन में कन्वर्ट करते हैं, फार्मूले दोनों से आप करते हैं, आप एम रेशो एन से भी फाइंड आउट करते हैं और के रेशो वन से भी फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक है बेटा अगर के रेशो वन से करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज coordinates of point C, point C के coordinate कैसे मिलेंगे बेटा आपको, ये आ जाएगा बच्चे coordinates of point C क्या आ जाएंगे, kx2 plus x1 upon k plus 1, ये हमने पहले भी किया हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली टू डायमेंशन में क्या है, ये थ्री डायमेंशन में, लेकिन एक्सटर्नली अब एक कंडीशन है, एक्सटर्नली क्या है बच्चे कि आपके पास दो पॉइंट है a एंड b, a के कोऑर्डिनेट है बच्चे x1 y1 z1 एंड b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, ठीक है बच्चे। अब इसको एक पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, p पॉइंट जो है वो ab को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ab पॉइंट ये है आपके पास, p इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे एक पॉइंट m, अब उस पॉइंट का a पॉइंट से डिस्टेंस m है और b इस पॉइंट p का a से डिस्टेंस बच्चे m है एंड b से डिस्टेंस n, तो m को हम लोग कंसीडर करेंगे m x2 b के साथ n y1 के साथ, जैसे यहाँ पे होता है m x2 n y1 अपोजिट आते क्रॉस, तो वैसे ही m x2 प्लस n को आप लोग कंसीडर करोगे x1 के साथ, m y2 माइनस n y1 m z2 माइनस n
जर्दन के, ये आपका इंटरनली और एक्सटर्नली का फार्मूला अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला तो इजी है बच्चे, इसी में हम लोग इंटरनली में मिड पॉइंट फार्मूला आ जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा बेटा, या अगर उसको वो तो क्या होगा बच्चे, अगर कोई लाइन जो है वो उसको मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो का मतलब है 1:1, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यही आता है m रेशियो n के लिए। m रेशियो n के लिए क्या आता है mx2+nx1। अब m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, अगर c मिड पॉइंट है, c इज मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c क्या होंगे, आप लोग क्या करेंगे, m भी 1 आएगा बच्चे और n भी 1 आएगा, 1 × x1 x1, और 1+1 कितना हो जाएगा, n भी 1 है n × x1 x1 ही आएगा, m 1 है n भी 1 है, तो 1+1 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो x1+x2/2। कर चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो बच्चे आपके पास एक ट्राइंगल है, आप उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर ले। तो सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चे, यहाँ पे उसके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, That means, A से अगर कोई लाइन जा रही है तो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो जहां पे वो मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ये 2-3 बार हम लोग कर बांटते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसको अगर मैं पॉइंट को जी रखता हूं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे बेटा, सी के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3, g1+g2+g3। यही कंडीशन हमने वेक्टर्स में किया, वेक्टर्स के साथ देख लीजिए, वेक्टर में हमने क्या किया। अब अगर ये ए पॉइंट है तो ये ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, ओ ए वेक्टर होगा x1i+y1j+g1 के। ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, x2i+y2j+g2 के, ऐसे ही। तो बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर जी क्या होगा, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही होगा। तो अब ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर इज ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, ओ सी वेक्टर आपके पास सी वेक्टर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर आप सम करेंगे तो आई कंपोनेंट्स आई में ऐड होंगे, जे कंपोनेंट जे में, एंड के कंपोनेंट के में ऐड ऑन किए जाएंगे। हमने कर ली सेपरेट करेंगे अपॉन 3 सभी में आएगा, तो यही कोऑर्डिनेट आ गए, ये एक्स ये वाई जी कोऑर्डिनेट आ गए। तो सेंट्रॉइड ऑफ जी क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ जी या इसके कोऑर्डिनेट, सेम कंडीशन हम अपने वेक्टर किया जाते हैं, इनको सेपरेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो हमने किया डायरेक्शन कोसाइन, हमने कर लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चे, एल एम और एन होता है, ठीक है। अगर बच्चे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं आपके पास ए बी और सी है, दैट मींस उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी इस तरह से आ गए कि आप यहां पे एक थ्री डायमेंशन सिस्टम बना लीजिए, एक्स वाई एंड जी, और यहां पे आपका पॉइंट आ गया ओपी वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ए बी सी,
तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो यही आ गए, तो ओपी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, जिसको आप आर वेक्टर भी कंसीडर करेंगे, विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस एल किसके इक्वल होगा बेटा, कॉस अल्फा के साथ, एम किसके इक्वल होगा कॉस बीटा के साथ, और एन किसके इक्वल होगा बच्चे कॉस गामा के साथ। और ये डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस किसके इक्वल आ जाएंगे, ये ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, जिसको आप मेंशन करते हैं अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये आपके पास बी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये आ जाएगा सी अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, जिसको आप लिखते हैं बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस वही है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है बच्चे, डायरेक्शन कोसाइन किसी पोजीशन वेक्टर की एंड वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स का कंडीशन सेम होता है। कैसे होता है बेटा, क्योंकि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स किस तरह से आता है, अगर मैं बात करता हूं पहले वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के लिए वेक्टर जॉइनिंग क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, this is your x, this is your y and this is your z। ठीक है बच्चे, तो कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, this is p, and this is your point q। ओके, these are two points। so vector joining two points क्या होगा बेटा, इसके पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो PQ वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो OQ वेक्टर किसके इक्वल होगा, OQ वेक्टर होगा आपके पास x2 माइनस x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। इसमें से आप लोग माइनस करोगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे ही करोगे। तो ये कंडीशन PQ वेक्टर क्या बन जाएगा, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज योर P वेक्टर, दिस इज सॉरी पी क्यू वैक्टर, ये पी क्यू वैक्टर था अभी कहाँ पे, दिस इज योर आई, दिस इज योर जे एंड दिस इज योर के, ये पी क्यू वैक्टर हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन कर लिया, वाई टू माइनस वाई। अब पी क्यू वैक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू वैक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि आप इसी का स्क्वेयर कर लोगे, यहीं पे आ जाएंगे आई जी, इनकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास इनके स्क्वायर बन जाएंगे, इनका स्क्वायर आ जाएगा x2 minus x1 by 2 minus y1 z2 minus z1, ऐसे ही PQ वेक्टर बन जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि आपको बनाना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग, तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस किसके इक्वल होंगे बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे एल विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम विच इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन विच इज इक्वल टू कॉस गामा। डिनोमिनेटर में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाता है, ऐसे ही होता है जैसे हम पहले कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड है, न्यूमिनेटर में क्या है, तो अगर कॉस अल्फा है तो वो एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अब वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम लिखते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कहां पे फॉल आउट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे साथ है ए जीरो जीरो,
वाई एक्सिस के साथ है बच्चे जीरो बी जीरो, और जी एक्सिस के साथ है बच्चे उसका लिंक समथिंग लाइक जीरो सी जीरो, जीरो जीरो सी। वैसे ही अगर यहाँ पे ये पी क्यू के लिए आया है, पी क्यू वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स के लिए, पी क्यू के लिए कंडीशन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मतलब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बना रहा होगा वो एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, वाई एक्सिस पे एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो जीरो, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बन रहा होगा वो वाई टू माइनस वाई वन जीरो, और जेड एक्सिस पे जो पॉइंट बन रहा होगा जीरो जीरो जेड टू माइनस जेड वन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन कॉस अल्फा के लिए, कॉस बीटा के लिए वाई टू माइनस वाई वन, और कॉस गामा के लिए जी टू माइनस जी वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन, ये मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, ठीक है, एक्स वन होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दिस विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, r वेक्टर बनेंगे विच इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r वेक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट पे आ गए, x एक्सिस पे आ गए, y एक्सिस पे z आ गए अपॉन r वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया बच्चे। ठीक है, ये आपके पास है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे। ओपी वेक्टर जो है आपके पास, ओपी वेक्टर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स। क्वेश्चन है बच्चे, दिस वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k एंड 3i माइनस j माइनस 2j प्लस k विद द टू पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट p एंड q, तो op वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, op वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k एंड oq वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है oq वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 3i माइनस 2 टाइम्स ऑफ j प्लस k के। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को जो वेक्टर जॉइन कर रहा है पी और क्यू को, आपको उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना, तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल होगा पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, दिस इज ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर क्या है, हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, थ्री आई माइनस टू आई इज आई, फिर टू आई एंड माइनस ए, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ जे, और k माइनस थ्री टाइम्स ऑफ k, दिस इज माइनस टू टाइम्स ऑफ k। ठीक है, तो कंडीशन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने इसको कर लिया, डायरेक्ट नहीं करना तो आप इसको शॉर्ट एक्सपेंड करके कर सकते हैं, दिस इज ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर। हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ नेगेटिव, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, अब इसको माइनस कर लीजिए, टू आई माइनस थ्री आई माइनस टू टाइम्स ऑफ आई माइनस टू आई माइनस आई एंड दिस इज माइनस टू, दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे बच्चे, अब आपको पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे, वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस टू स्क्वेयर, this is your 1 plus 4, this is 4 and 2 square root of 6, so pq vector magnitude आ गया बच्चे square root of 6, so this implies direction cosines क्या आ जाएंगे बच्चे, cos alpha किसके equal आ जाएगा, cos alpha is x component जो होगा upon pq vector magnitude, तो ये आ जाएगा square root of 6, cos beta कितना आ जाएगा, cos beta किसके equal है बच्चे, आप इसको general किसके equal है, plus में लेते हैं तो ये minus 1 आ जाएगा, minus 1 upon square root of 6, एंड कॉस गामा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, गामा कितना है माइनस टू, जेड कंपोनेंट इज माइनस टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6।
ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन है बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर। क्या है, एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। आपको एक लाइन एल है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट है ए, ठीक है। तो ओरिजिन से दिस इज योर ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज कंसीडर एज ए वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब ये जो लाइन है ये एक बी वेक्टर के पैरेलल, ठीक है, इस लाइन बी वेक्टर के पैरेलल, ठीक। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे जनरली एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जनरल पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे L जो है वो पैरेलल है बच्चे B वेक्टर, दिस इज योर गिवन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो B वेक्टर के वो पैरेलल है, L इज पैरेलल टू B वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग एक सपोज करते हैं, ये पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, तो OP वेक्टर जो है इसको हम कंसीडर करते हैं आर वेक्टर। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक। आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो एक एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी, तो जो ओ ए वेक्टर है ये ए वेक्टर के इक्वल है और इसके पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, ये इसका वेक्टर क्या हो गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी कैप के इक्वल, ठीक है बेटा। अब ये जो हमारे पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस सी वन, उसके बाद हमारे पास एक ओपी वेक्टर है जिसको हमने सपोज किया, एक जनरल पॉइंट लिया है ऑन द लाइन, एक जनरल पॉइंट ऑन एल, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चे एक्स वाई सी, तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी। तो ये जो बी वेक्टर है बच्चे, इसको हमने एक्स वन वाई वन और जी वन से कंसीडर किया है और ये डायरेक्ट एक्स वाई जी है, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, आर वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, आर वेक्टर है एक्स आई आर वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे, ये आपका वेक्टर फॉर्म ही है, इसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं,
ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म समझ आ गया, क्लियर है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनता है कि हम लोग क्या करते हैं, आर वेक्टर, यहाँ पे आप आर वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए वेक्टर और लैम्डा का वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसका कार्टेशियन, इसका हम इसके बाद इसका एक एग्जांपल भी करेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिखा जा सकता है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है, लैम्डा, ठीक है, मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, आर वेक्टर है आपका एक्स आई माइनस वाई जे प्लस वी के, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आई विद आई जे विद जे के विद के कैंसिल आउट करते जाएंगे आप लोग, तो दिस इज योर एक्स माइनस ए आई प्लस वाई माइनस बी के कंपोनेंट, एक्स विद एक्स, आई विद आई, जे विद जे के, दिस इज योर एक्स वन आई वाई वन जे एंड जी वन के, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चे, क्वेश्चन लैम्डा, तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं एक्स माइनस ए अपॉन एक्स वन, वाई माइनस बी अपॉन वाई वन, जी माइनस सी अपॉन जी वन इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया और ये वेक्टर फॉर्म आ गया, मतलब आपका जो आर वेक्टर है उसको आपको ए वेक्टर के साथ माइनस करना है, आई विद आई, जे विद जे, के विद के, और बी वेक्टर का सेम कंपोनेंट आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और ये सभी आपस में क्या होते हैं, इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड आउट करना है। अब द पॉइंट, पॉइंट क्या है बच्चे, पॉइंट किसके हमने किया था, ठीक है, इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं दोबारा से, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया बच्चे, पॉइंट क्या है, पॉइंट है फाइव टू माइनस फोर, तो ये जो आपका ओ ए वेक्टर है पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर, विच इज इक्वल टू फाइव आई प्लस टू टाइम्स ऑफ जे माइनस फोर टाइम्स ऑफ टू, पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर क्या है बी वेक्टर से, पैरेलल वेक्टर को आप ऐसे रखते हैं, विच इज थ्री आई प्लस टू टाइम्स ऑफ जे माइनस एट, ऐसा ही है, तो बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया बेटा, बी वेक्टर आ गया थ्री आई प्लस टू टाइम्स ऑफ जे माइनस एट के, तो वेक्टर इक्वेशन क्या कहती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे ही है। तो आर वेक्टर, जनरली आर वेक्टर को आप किससे सपोज करते हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के साथ, तो यही आपके पास आ गया, आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है फाइव आई प्लस टू टाइम्स ऑफ जे माइनस फोर टाइम्स ऑफ के प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है थ्री आई प्लस टू टाइम्स ऑफ जे माइनस एट के, तो अगर आप इनको आई विद आई, जे विद जे, के विद के एड ऑन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू फाइव प्लस लैम्डा थ्री आई प्लस टू प्लस टू लैम्डा जे, और यहाँ पे आप लोग माइनस फोर एंड माइनस लैम्डा एट के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसी से आप कार्टेशियन फॉर्म करोगे, कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा, ठीक है,
आप यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते थे, हमने इसको ऐसे कर लिया। आप लोगों के लिए क्या है, जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम ऐसे भी कर सकते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर वेक्टर लिख लीजिए। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं पहले, यहीं से आपको समझ आएगा। बाई इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आई जी एंड के, कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, x आ जाएगा 5 प्लस लैम्डा 3 के इक्वल। y किसके इक्वल आ जाएगा, j कंपोनेंट किसके इक्वल है, 2 प्लस 2 लैम्डा के इक्वल। एंड z किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 4 माइनस लैम्डा 8 के इक्वल। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, और ये आ जाएगा z प्लस 4 अपॉन माइनस ऑफ 8 इक्वल टू लैम्डा। अब ये सारी कंडीशंस लैम्डा के इक्वल हैं, तो आप लोगों के पास आ गया दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू जी प्लस 4 अपॉन माइनस 8 इक्वल टू लैम्डा। ये सारे आपस में इक्वल आ गए क्योंकि ये सारे लैम्डा के इक्वल, यही हमने यहाँ पे किया। तो आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आर वेक्टर किसके इक्वल था, कर भी रहा था मैं, फिर मैंने सोचा कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जनरली होता कैसे है। ए वेक्टर ये आ गया, और बी वेक्टर ये आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो ए प्लस लैम्डा एक्स वन आई, b प्लस लैम्डा वाई वन जे, प्लस सी प्लस लैम्डा वी वन के, आई विद आई कर दिया, जे विद जे, ऐड ऑन के विद के। तो यहाँ पे आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब आप कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के को कंपेयर कीजिए, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस लैम्डा एक्स वन के इक्वल। इसका मतलब x माइनस a किसके इक्वल होगा, लैम्डा x1 के, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, x माइनस a अपॉन x1। सिमिलरली y किसके इक्वल होगा, b प्लस लैम्डा y1 के इक्वल, तो y माइनस b इक्वल टू लैम्डा y1, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया बच्चे, y माइनस b अपॉन y1। सिमिलरली z किसके इक्वल होगा, c प्लस लैम्डा z1 के इक्वल, तो z माइनस c z1 किसके इक्वल आ गया बच्चे, लैम्डा के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे। तो ये था आपके पास, अब ये देखिए सारे लैम्डा के इक्वल हैं, तो इसलिए आप इन सभी को इक्वल लिख सकते हैं, लैम्डा के इक्वल, ठीक है। तो ये था आपके पास लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। सेकंड इक्वेशन है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स कैसे होगा बच्चे, ये इसका इक्वेशन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। क्या बच्चे, दो पॉइंट आपको ए और सी गिवन है, ठीक है। इसके पॉइंट आप लोग बना सकते हैं एक्स वन वाई वन जी वन, और इसके पॉइंट बना लीजिए एक्स टू वाई टू जी टू। ये दो पॉइंट आपके पास गिवन है। अब क्या है, पहली इक्वेशन हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द वेक्टर है, तो जो दो जो लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है तो वो भी पैरेलल होगी जो लाइन ए से पास कर रही है। तो सेम ही कंडीशन आके तो हम करेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर के इक्वल, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया बेटा। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा कि आप आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर जनरली आप करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल, विच इज इक्वल टू ए वन वेक्टर क्या आएगा, ए वन आ जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के इक्वल प्लस लैम्डा। ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर क्या होगा, ए वन वेक्टर मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के, एंड ए टू वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चे, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जी टू के। तो ए टू वेक्टर माइनस ए वन कितना होगा,
ए टू एक्स विद एक्स आई विद आई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जी प्लस जी टू माइनस जी वन के इक्वल। ठीक है, अब आई के कंपोनेंट को आई के साथ कंपेयर कर लीजिए। पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये किसके इक्वल है बच्चे, एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन जे और जी टू माइनस जी टू प्लस लैम्डा जी वन सॉरी जी टू माइनस जी वन के। हमने क्या किया, आई कंपोनेंट को आई के साथ एड ऑन कर लिया, जे कंपोनेंट को जे के साथ एंड के कंपोनेंट को के साथ एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के, आई जे एंड के कंपोनेंट्स को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आई कंपोनेंट क्या है बेटा, आई कंपोनेंट है बच्चे आपके पास तो एक्स विद एक्स जे विद जे वाई किसके इक्वल है बच्चे वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन और नेक्स्ट के कंपोनेंट किसके इक्वल है जी किसके इक्वल है जी वन प्लस लैम्डा जी टू माइनस जी वन। तो ये आ जाएगा बच्चे x माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। सो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन लैम्डा एंड z माइनस जी वन इक्वल्स टू जी टू माइनस जी वन लैम्डा। ये सारे आपस में इक्वेट करते हैं बच्चे क्योंकि इक्वल्स टू लैम्डा के इक्वल है। दैट मीन्स x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन equals to y minus y1 upon y2 minus y1 which is equals to z minus z1 upon z2 minus z1 is equals to lambda है बेटा। तो vector joining two points के लिए vector और cartesian दोनों equation हो गए बच्चे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका equation of lines हो गया। next में हम लोग करेंगे बच्चे equation in plane, equation of line in plane की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे, thank you for the class, वो आपका part 2 video रहेगा बेटा। thank you बेटा।